गली गली शहर शहर नई सुबह नई सहर नई सदा नई खबर नई फिक्र नई नजर जो चाह तुमने वो अब मिलेगा जुगल एटाइम में ये सब मिलेगा। व्यूअर्स, बुरी बुरी खबरें देने से पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे हैं कि इस सीज़न में वार्डरोब किस किस्म की पहननी चाहिए, बिकॉज दिसंबर जनवरी एंड फरवरी को शादी सीज़न कंसिडर किया जाता है, इवन मार्च तक, और वार्डरोब की हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो हमने सोचा कि एक लीडिंग ब्रांड को आज बुलाते हैं और आपको फिज़िकली दिखाएंगे कि किस किस्म के वार्डरोब के ऑप्शंस होते हैं, और हम तीन लाइंस आपके साथ शेयर करेंगे, कैजुअल, फॉर्मल और कुट्योर लाइन, यानी कि जो ब्राइडल लाइन होती है। तीनों किस्म के आपके साथ वार्डरोब शेयर करेंगे। सोचा कि आज थोड़ा सा लाइट एंड चेयरफुल मूड रखते हैं। वैसे ही वेंसडे को, यानी कि बुध के दिन को, हम्प डे कंसिडर किया जाता है। हम्प डे क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये वो दिन होता है जो बिल्कुल वर्किंग वीक के बीच में आता है और लोग बहुत ही कुछ फील कर रहे होते हैं कि हाय ना, तो मुझे कहते ना कि मंडे है और ना ही फ्राइडे है, कुछ बीच में हम फंस गए हैं। सो हम्प डे को सोचते हुए हमने सोचा कि आज कुछ एंटरटेनिंग हो जाए। और उसके अलावा आप लोगों ने बड़ा गिला किया मुझसे कि आपने जो फैसलाबाद के बड़े ही टैलेंटेड दोनों बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को नुमान हैदर और अदम अब्बास, उनकी आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर, उनके साथ हमने DSNG पे बात की फैसलाबाद में। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, तो उनके फादर ने और दोनों बच्चों ने कहा कि चले हम आ जाएंगे। तो आज वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे न्यूज़ के सेगमेंट के बाद। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ आमना भी हैं, उनसे भी बातचीत होगी कश्मीर के किचन में। आमना वेव कर दो ज़रा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज बड़ी जिम्मेदारियां आमना ने उठाई हैं, बनाना वॉलनट ब्रेड बेक करने लगी हैं सेट में, और बहुत ही हमारा बुरा हाल होने वाला है पेट का, क्योंकि आपको पता है कि जब बेकिंग हो रही होती है फ्रेश सुबह सुबह, तो वो वैसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भूख लगती है। बस आमना, अल्लाह आपको खुश रखे। अब कुछ पता नहीं, मैं शायद किचन में ही पाई जाऊँ सेकेंड हाफ में प्रोग्राम के। तो मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो क्या बेक करने जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना काम स्टार्ट कर दें, और बड़े मज़े की फ़िश एंड वेजिटेबल ग्रेवी चाइनीज़ की बनाएंगी। तो बहुत मज़े मज़े के खाने बनने हैं आज किचन में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट सबसे पहले हम जाएंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान में फॉग के, मतलब पाकिस्तान में सुबह के वक्त फॉग का राज, ये तो खैर जो भी पंजाब की साइड पे रहते हैं वो जानते ही हैं। काम पे आते आते बंदा टेंशन में ही होता है कि खुदा ना खास्ता गाड़ी जो है या बाइक जो है कहीं टकरा ना जाए, तो बहुत ध्यान से सुबह ट्रैवल करना चाहिए। ड्यूअल नेशनैलिटी लॉ के ख़िलाफ़ पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट, ये बहुत बिग न्यूज़ है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ की नाकाम पॉलिसीज़, बहुत ही बुरी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चूनिया में छोटे बच्चों से ज़्यादती के केस का फ़ैसला सुना दिया गया, ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। हुकूमत अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिराने वाली है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कराची दूसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी के लिए तैयार। एंड फाइनली, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने वाली इंडियन नेटवर्क्स बेनकाब। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़। सबसे पहली खबर तो ऑफ़ कोर्स फॉग से रिलेटेड है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी वगैरह की बात को आगे लेके चलें। सो हम जाएंगे इस्लामाबाद, हमारे बहुत ही प्यारे भाई सगीर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ जो है इस्लामाबाद के, उनकी तरफ जाएंगे। मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे गौहर रहमान, एंड लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फारान यामिन। तो इन तीनों से हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले ऑफ़ कोर्स हम सगीर भाई के पास जाएंगे इस्लामाबाद में, और उनसे जानेंगे कि क्या स्टेटस है फॉग का। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जुगन। जी सगीर भाई, बताइए कि क्या अपडेट है, और वह हमें ज्वाइन कर लिया है फारान ने भी और गौर ने भी, आपको भी, सबको, दोनों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। जी वालेकुम अस्सलाम जुगन, मैं आपकी आवाज कुछ ज्यादा सुन नहीं पा रहा, मुझे जरा दोबारा काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। सगीर भाई, हमें अपडेट दीजिए कि क्या स्टेटस है एज फार एज द फॉग इज कंसर्न्ड, मौसम से रिलेटेड।
सगीर भाई, आई थिंक आपको मेरी आवाज नहीं सही तरह जा रही। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि फॉग की क्या अपडेट है। आवाज ही नहीं जा रही सगीर भाई को। चले लाहौर से अपडेट लेते हैं, तब तक हम अपनी ऑडियो को करेक्ट करते हैं। लाहौर में वारान से बात करेंगे। वारान, क्या अपडेट है फॉग की? लगता है अवाम के अलावा और किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही, हमारे व्यूअर्स के अलावा। मुल्तान गौहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप ही फॉग की अपडेट दे दें। जी जुगन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब जो है पिछले 4 रोज से मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में है। खसूसन तौर पर अगर बात की जाए जो दही इलाके हैं, मोटरवे है उसको वो 12 ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। अगर अब की सूरत हाल में आपको बता चलूं, मुल्तान ता फैसलाबाद M4 मोटरवे अभी भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है शदीद धुंध के बाइस, और मुल्तान ता सखर M5 मोटरवे इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुली है। ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि धुंध की शिद्दत में कमी आएगी तो M4 मोटरवे को खोल दिया जाएगा। धुंध का जो आगाज है मुल्तान में रात 2 बजे के बाद धुंध का आगाज होता है और तकरीबन सुबह 11 बजे तक शदीद धुंध होती है। आज जो है थोड़ा सा शहरी इलाकों में सूरज भी निकला है और जो है दर्जा हरारत उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मुल्तान का आज 22 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो धुंध का राज है उसके बाइस जो है मुल्तान में फिजाई ऑपरेशन, ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। फिजाई ऑपरेशन की बात की जाए तो मुख्तलिफ परवाजें हैं वो मुल्तान से जद्दा जाने वाली, लाहौर जाने वाली, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो ऑपरेशन है वो बुरी तरह मुतासिर है। 5 से 6 घंटे मुख्तलिफ फ्लाइट्स जो है ताखिर का शिकार है। पिछले 4 रोज से जो है रेलवे का निज़ाम वो भी मुकम्मल तौर पर धरम भरम हुआ पड़ा है। मुल्तान जो है रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ ट्रेन जो आने वाली हैं, जाने वाली हैं, वो भी ताखिर का शिकार है। अगर आपका मैं बताता चलूँ आपको, कराची एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे ताखिर का शिकार है, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर का शिकार है। इसके अलावा जो खैबर एक्सप्रेस है वो भी जो है 2 घंटे ताखिर का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है शहरी जो है गैर जरूरी सफर से परहेज करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और थोड़ा सा हमें मोहतात होकर चलना चाहिए क्योंकि देखिए दिसंबर और जनवरी में अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और अनफॉर्सीन चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए ज़रा एहतियात से ही ट्रैवल करना चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी हो तो तब ही ट्रैवल करें। अच्छा, हम लाहौर की तरफ रुख करते हैं, फारान की तरफ। फारान, क्या सिचुएशन है फॉग की? जी बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ते रोज़ से ही शदीद धुंध की लपेट में महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कि धुंध का ये जो सिलसिला है वो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस धुंध के 22 कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई है। लाहौर के अंदर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है, जबकि ट्रेनों की आमदो रफ्त भी बुरी तरह मुतासिर। फारान भाई, आप तो वैसे भी हमें बड़े कम कम ही नज़र आ रहे हैं, धुंध इतनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द भी है इस वक्त, आप हैं किस एरिया में? जबकि मोटरवे भी गुज़िश्ता 2 रोज से रात के औकात में बंद करती जाती है, जो कि सुबह सूरज निकलने के बाद। जी बिल्कुल, जिस वक्त दिन रात के औकात में मोटरवे भी बंद कर दी जाती है और सुबह जिस वक्त सूरज निकलता है उसके उस वक्त मोटरवे खोली जाती है। इस वक्त शहर के जो कम से कम दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि वो इस वक्त 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम जो आज शहर का दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 92% है, जबकि इस वक्त तो हवा नहीं चल रही है। तहम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से जो हवा है वो चलेगी, जबकि आज जो मतलब है वो अबर आलूद रहेगा, सूरज निकलने का कोई इम्कान नहीं है, बहुत कम है, जबकि जो बारिश का है वो भी कोई महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया 20 दिसंबर तक कोई इम्कान नहीं है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं हम सगीर भाई की तरफ। जी सगीर भाई, क्या अपडेट है इस्लामाबाद में कैपिटल की? जी देखें, इस्लामाबाद का मौसम जो है वो भी बहुत ज़्यादा सर्द है, जिस तरह हमारे कोलीग ने बताया, लेकिन इस्लामाबाद में धुंध बहुत कम होती है और यहाँ पर जो है वो सूरज हमें दिखाई ज़रूर देता है। कल तक तो बहुत ज़्यादा चमक रहा था सूरज, लेकिन आज देखें तो बादलों में छुपा हुआ है। इस्लामाबाद में हल्के बादल हैं और मुमकिन तौर पर बारिश भी हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशगोई की है उसके मुताबिक तो आज बारिश का इम्कान पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। पंजाब में अगर बात की जाए तो जैसे पहले भी आपने सुना है कि वो पंजाब में जो है वो इस वक्त शदीद धुंध है और खसूसी तौर पर जो मोटरवे है वो शदीद धुंध की लपेट में है और जो ट्रांसपोर्ट है मोटरवे पर वो उसको बिल्कुल बंद किया गया है। बंद करने की वजह यह है कि चूंकि बहुत ख़तरनाक सफ़र होता है और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, चूँकि हद नज़र कहीं 50 है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, तो इसलिए जो अगले गाड़ी वाली है और गाड़ी चलाने वाला है उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता, एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा होता है। और इस मौसम में जब धुंध होती है खसूसी तौर पर और मोटरवे पर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हादसात के खदशात और ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है वो मोटरवे की जानिब से ये एडवाइज़री जारी की गई है कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो सुबह के टाइम पे जो है वो इसको अपनी ड्राइविंग से जो है वो मोहत और जो गैर ज़रूरी सफ़र है वो बिल्कुल ना करें, चूँकि गैर ज़रूरी सफ़र करने से हादसा भी पेश आ सकता है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी मौसम जो है वो गर्म और मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा और उसमें भी जो है वो बादल कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो इसमें वाहिद शहर है और हम इस वक्त आपको लाइव भी दिखा सकते हैं कि सूरज जो है वो बिल्कुल कम नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सूरज है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, लेकिन अब जो है वो सूरज की किरणें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि शायद ये आज थोड़े से बादल हैं, बारिश भी जी बारिश जो है वो अनलाइकली है एट दिस स्टेज आज के दिन में। लेट्स सी के आगे क्या होता है। अच्छा सगीर भाई, ड्यूअल नेशनैलिटी के खिलाफ जो लॉ है उसमें पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रही है, कुछ हमें गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखें, दोहरी शहरीत के हवाले से जो आपको खबरें नज़र आ रही हैं खासतौर तौर पर पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पर हंगामे फूट पड़े हैं, चूँकि दोहरी शहरीत से मुतल्लिक जो है वो एक नया कानून सामने आया भारत की जानिब से, जिसमें बहुत सारे लोगों की नेशनलिटी को ख़त्म किया जा रहा है और उसमें उनको बाकायदा जो है वो वहाँ से मुल्क से निकलने के लिए भी कहा जा रहा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात हैं और उसमें ज़्यादा निशाना कौन बढ़ रहे हैं ये आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा निशाना जो है वो मुसलमान कम्युनिटी बन रही है, जो कि मुसलमान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में भारत में मौजूद है और उन पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, हंगामे फूट पड़े हैं। और चूंकि प्रोटेस्ट जो है जब भी किसी के खिलाफ कोई चीज़ जाएगी तो प्रोटेस्ट एक बुनियादी इंसानी हक होता है और पूरी दुनिया में जो है वो प्रोटेस्ट मना नहीं किया जाता, लेकिन जब आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं वो भारत में करते हैं, भारत जो कि जमहूरियत का बड़ा चैंपियन तो बनता है और हर जगह पर जमहूरियत का राग अलापा जाता है भारत की जानिब से, लेकिन अब ये जो हंगामे डुअल नेशनल को लेकर फूटे हैं वहां पर और लोग अपने हक के लिए बाहर निकले हैं तो उन पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है और किस तरीके से जो है वो अच्छा, उनको ब्रूटली भाई मेरा सवाल ये है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या करेंगे कि बेसिकली इंडियन नेशनैलिटी खत्म कर देंगे मुसलमानों की और दूसरे ममालिक की रहने देंगे या दूसरे ममालिक की खत्म कर देंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली इन्होंने करने का क्या डिसीजन लिया है जिस पे ये सब कुछ हो रहा है। देखें, इसके पीछे तो बैकग्राउंड में झांका जाए तो इसके पीछे मसला है कश्मीर है। भारत जो है वो कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए ये जो मुसलमान हैं उन पर तरह तरह के मजालिम ढाता है और आपने बहुत सारे मजालिम का पहले भी जिक्र सुना होगा कि जो गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे उसमें कितने मुसलमान मारे गए, तो उसी तनाजर में जो मुसलमानों की नेशनलिटी उन इलाकों से ख़त्म की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि वो इन इलाकों से निकल जाएं। ये भी खबरें इतलात आ रही हैं कि उनको यहाँ से निकालने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी इमलाक जो है उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि वो अपनी इमलाक को बेच भी नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मुसलमान फिर
और वहाँ के रहायशी जो हैं, चूँकि उनका बुनियादी हक क्या नेशनलिटी, नेशनलिटी के बगैर जो है वो एक मुल्क में कैसे रह सकते हैं, उनकी शिनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जब उनकी शिनाख्त ख़त्म हो जाएगी तो वो किसी भी हक से जो है वो हक नहीं लेंगे, अपने सारे तमाम हकूक से महरूम हो जाएंगे, जो रियासत पर एक इंसान के और एक बहसीत नेशनल का हक होता है, शहरी का हक होता है, वो उससे महरूम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको तंग करने के लिए की जा रही हैं, मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं, ताकि जो मसला कश्मीर जिस पर तकरीबन कोई 150 दिन हो चुके हैं और लोग हैं वहाँ पर एक जेल में बंद हैं इस वक्त, पूरा खित्ता कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर वो एक जेल बन चुका है और वहाँ पर जो है वो लोगों के साथ जिस तरह से जुल्म व सत्म हो रहा है, ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो उससे मिलती हैं। और भारत जो है वो तवज्जो हटाने के लिए और मुसलमानों को तंग करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जो है वो पूरे भारत में इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। इसके अलावा जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, खसूसी तौर पर तुर्की है, उसने भी बड़ी तशवीश का इजहार किया, दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से इस पर शदीद एहतजाज भी किया गया है और उनके सफारत खाने को इस हवाले से आगाह भी किया गया। लेकिन भारत जो है वो आए दिन इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। अब आप देखें कि LOC पर जो है वो नहाते शहरियों को निशाना बनाया जाता है। एक फौजी जो है उसको हालांकि तरबियत होती है कि आपने जंग में भी बच्चों को और ख़वातीन को और बूढ़े इंसानों पर जो है वो किसी किस्म की फायरिंग नहीं करनी या इस तरह का कोई वो तशद्दुद नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है सगीर भाई, वो किसी भी किस्म की अनफेयर या नेगेटिविटी से गुरेज नहीं कर रहे, वो तो अपने सारे वेपन जो है वो निकाल के और मुसलमानों को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे भारत में ये सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे पाकिस्तान में देखे ना कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बहुत मेजर सवाल उठाया जा रहा है कि इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल हो गई है, गुरबत में इजाफा होता जा रहा है। कुछ फैक्ट्स व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी, एंड देन ऑफ कोर्स सगीर भाई आपसे बेहतर हमें कौन गाइड कर सकता है। नून लीग के साबिक जो है नून लीग की जब दौर था तो उस वक्त इकॉनमी का अगर मुआवजा लगाया जाए तो 2016 में नून लीग का GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो था वो 4.6 था, फिर 2017 में 5.2 पे गया, 2018 में 5.5 था, अब PTI के दौरे हुकूमत में 2019 में GDP ग्रोथ जो है वो 3.3 और 2020 में 2.8 रहा, तो इस पे क्या कहेंगे आप सगीर भाई? अच्छा, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने 2016 का कंपैरिजन किया कि 7 पॉइंट कुछ था और अब 2 पॉइंट जो है वो कुछ रह गया है। तो अब इकॉनमी की सूरत हाल आप देख लें, अगर हम आम खाने पीने की इस्तेमाल की चीज़ें देखें जिसमें आप रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है जिसमें सब्ज़ी हैं, चूँकि हर आदमी ने उसको इस्तेमाल करना है, हर कॉमन आदमी की वो ज़रूरत है। अब हर माह जो है वो एक बहरान का शिकार होता है हमारा पाकिस्तान, पूरा मुल्क उसकी लपेट में आता है। टमाटर को देख लें कि टमाटर जो है वो किस तरीके से 300 और 350 तक जंप किया उसने, और उसको नीचे आते आते भी कई महीने लगे और अभी भी 150 रुपये जो है वो टमाटर आपको मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह से फिर चिकन जो है उसका बहरान आया कि चिकन जो है वो एकदम उसने 300 350 इस तरीके से और 250 तक जो है वो जंप किया कि आम आदमी की दस्तरस में ही नहीं है कि वो कोई इस तरह की चीज़ खा सके या उसको इस्तेमाल कर सके। अब उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो ख्वाब बनता जा रही हैं। देखें, अब जब महंगाई इस तरीके से ज़्यादा होगी और इतना ज़्यादा वो महंगाई का तूफान और जिन जो है वो बाहर निकल आएगा तो आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो कम होगी। जब कुव्वत खरीद कम हो जाएगी तो फिर बेरोज़गारी में इजाफा होगा। अब लाखों की तादाद में इस वक्त बेरोज़गार नौजवान फिर रहे हैं, लेकिन PTI की हुकूमत वादे ज़रूर करती है कि हम बेरोज़गार नौजवानों के लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, अमली तौर पर जो है वो हमें इसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आई। अभी भी उसी तरह से आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में मार्केटों में चले जाएँ, हर तबका जो है खुसूसी तौर पर कारोबारी तबका जो है वो भी इसका शिकार नज़र आता है। और मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉपकीपर से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि पहले जो सेल है वो सब्जियों, फ्रूटों और जूतों की दुकानों पे लगती थी, शूज़ पे सेल होती थी, लेकिन अब पहली मर्तबा तारीख में इस तरह हो रहा है कि चूँकि ख़रीदार नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उन पर सेलें लगी हुई हैं कि लोग आके ले लें, लेकिन लोग जो है वो उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है, इसलिए लोग जो है वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, तो ये बड़ा सगीर भाई हालात बहुत तशवीशनाक है, इट्स नॉट ओके जिस तरीके से हमारी आवाम सफ़र कर रही है। व्यूअर्स, हर बंदा सफ़र कर रहा है, हर बंदा तंग है, समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो हम कहाँ जाएँ।
खैर व्यूअर्स, एक जो पॉजिटिव स्टेप जरूर लिया गया है वो ये है कि चूनिया में छोटे बच्चों से ज्यादती करने का जो केस है उसका फैसला सुना दिया गया है और जो मुलजिम है उसको 3 बार सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब बात यह है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन के, शुक्र है कि इस फैसले को, और आई थिंक जुर्माना भी है 32 लाख जुर्माना भी है। लेकिन व्यूअर्स, जुर्माना और बाकी चीज़ों से बढ़ के जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि सजाए मौत की जो सज़ा सुना दी गई है उससे एटलीस्ट मेरे ख्याल से लोग थोड़े से डर जाएंगे जो इस नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का सोच भी रहे हैं या जो इस तरफ इंक्लाइंड है कि भाई एक्चुअली बड़ा सीरियस एक्शन लिया जाएगा और कुछ सालों की सज़ा नहीं बल्कि सज़ाए मौत जो है इस किस्म के बिहेवियर का एंड रिजल्ट होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। तो चूनिया से रिलेटेड ये हमारे पास अपडेट है। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, हुकूमत अवर गैस से रिलेटेड एक नया बॉम्ब जो है वो गिराने वाली है। गैस जो है वो 214 तक महंगी होने का खदशा है। ये है घरेलू सार्फीन के लिए, तंदूरों के लिए 245% यानी कि ऑलमोस्ट 250% जो है वो कमर्शियल सार्फीन के लिए, और सीएनजी सेक्टर के लिए 31%, फर्टिलाइजर के लिए 153% तक गैस महंगाई होगी। ये 1 जनवरी से यानी कि कुछ ही 2 हफ्तों के बाद ही ये चीज़ होगी। अब देखते हैं कि जो लोग इससे बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद की तरफ मैं सबसे पहले जाना चाहूँगी, अब्दुलरहमान की तरफ, क्योंकि फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा गैस का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब्दुलरहमान हमें गाइड करेंगे कि क्या सिचुएशन है इससे रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अब्दुलरहमान, हमें ज़रा अपडेट दें कि ये जो गैस का एक बॉम्ब हमारे ऊपर गिरने वाला है मजीद और महंगाई का, इसका क्या होगा? जून इस हवाले से अगर बात की जाए, फैसलाबाद में जो कि इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, इसे फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो गैस के रिलेटेड चलती है, इसमें जितनी भी सन्नत है टेक्सटाइल की वो सब में जो गैस है वो एक बेसिक जो हैसियत रखती है। लेकिन इसमें अब मसला ये बना हुआ कि इससे पहले ही जब से ये मौजूदा हुकूमत आई और स्पेशली 2017 के बाद जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसमें तो सन्नतकारों का ये कहना है कि अब तक मजमूई तौर पर पिछले जो 2 साल में इजाफा हुआ है ये तो 500% तक चला गया, और अब जो 200% तक इजाफा करने जा रही है हुकूमत, तो इससे जो सेक्टर टेक्सटाइल का मज़ीद बैठ जाएगा, क्योंकि पहले ही जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बहुत नीचे आ चुकी है, और जो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमें डेफिसिट में कमी आ रही है, तो उसका ये नतीजा निकल रहा है कि हमारी, क्योंकि इम्पोर्ट भी कम हो रही है, एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी हमारी कम हो रही है, तो इस वजह से हमारा जो अभी तक बैलेंस में डेफिट से जा रहा है। लेकिन इसमें जो अल्टीमेटली जो इसका लॉन्ग टर्म नतीजा निकलेगा वो बहुत भयानक निकलेगा, कि पहले से जो कर्जे में फंसा हुआ है जो हमारा टेक्सटाइल ओनर है, या जो उसकी अभी तक रिफंड्स क्लियर नहीं हुए, ऊपर से उस पर गैस बॉम्ब गिराया जा रहा है, और इसको गैस बॉम्ब का नाम दिया जा रहा है यहाँ पर सनअतकारों की जानब से। घरेलू सार्फिन तो फिर भी जो कम गैस इस्तेमाल करते हैं वो तो इसको बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन जो सेक्टर है हमारा, जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, जो सन्नत जो रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमें ज़र मुबादला हासिल होता है, और एक्सपोर्ट जो हमारी पहले ही पिछली हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी मजीद नीचे की जानब जा रही है। बट अब्दुलरहमान देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि एट द एंड ऑफ द डे नो डाउट के जो आवाम है, हम लोग जो हैं, हम उसको बर्दाश्त कर ही जाएंगे। हम इसलिए बर्दाश्त कर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना 215% या 214% गैस में अगर महंगाई होगी, मेन चीज़ जो यूज़ की होती है सर्दियों में वो गैस ही होती है, और अब और यूजली ये कहते हैं कि चलो बिजली के बिल अब कम आएंगे क्योंकि गैस के बिल बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी गैस के बिल इतने ज्यादा आते हैं कि मुझे तो लगता है कि गर्मियों में जो हमारा बिजली का बिल होता है उससे भी डबल शायद हमारा अब गैस का बिल आना शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी अपसेटिंग थिंग। गौहर, आपके पास हम चलेंगे मुल्तान में। अस्सलाम वालेकुम गौहर, जरा हमें अपडेट दीजिए कि ये जो गैस का बॉम्ब गिरने वाला है उससे रिलेटेड मुल्तान में क्या खबरें हैं? जी जुगन, मुल्तान की भी वही सूरत हाल है जो फैसलाबाद की बताई है, क्योंकि मुल्तान जो है वो फैसलाबाद के बाद दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान में जहां पर
सबसे ज्यादा पावर लूम्स पाई जाती हैं, लेकिन पावर लूम सेक्टर जो है ये जो नया गैस पंप हुकूमत की जानिब से गिराने की तैयारी की गई उस हवाले से खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की मौजूदा हुकूमत है इसे 1.5 साल हुआ है तो इसमें जो गैस की कीमतें हैं वो 333% तक बढ़ाई गई हैं। लेकिन ये जो ओगरा की जानिब से नेपरा ने एक रोज कबल जो है बिजली के रेट बढ़ाए 1.70 रुपया तक महंगा किया, तो नेपरा की देख ओगरा भी मैदान में आया और उन्होंने भी गैस के रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया और ये गैस के रेट बड़े अजीब तरीके से बढ़ाए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि जो 50 यूनिट यूज करने वाले सार्फीन थे उनका बिल अगर पहले आता था 300 रुपए, तो अब वो जो है उनका उसका जो नए रेट के तहत जो उनका बिल आएगा वो 380 रुपए आएगा, जबकि अगर 100 यूनिट यूज करने वालों की बात की जाए तो उनका अब जो है बिल उसमें भी 50 से 60 रुपए इजाफा हुआ है, उनका 353 रुपए आएगा। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि जो लोग ज्यादा यूज करेंगे, मतलब जो 200 से ज्यादा यूज करने वाले होंगे यूनिट, उनके लिए गैस सस्ती कर दी गई है, मतलब जो गरीब है जो पहले ही कम इस्तेमाल करता है गैस उसके लिए महंगी कर दी गई है, और जो ज्यादा इस्तेमाल करता है जो इस्तेतात रखता है बिल भरने की उसके लिए गैस सस्ती कर दी गई है। अगर बात की जाए 300 यूनिट वाले सार्फी जिसका बिल पहले 706 रुपए आ रहा था, तो नए रेट के तहत जो उसका बिल उसका पहले बिल आ रहा था 300। बिल्कुल सही, वैसे व्यूअर्स जी भी कुछ मामलात चल रहे हैं, मैं तो कमेंट भी नहीं करना चाहती बिकॉज मतलब सच्ची मुझे कहते हैं ना बात करते हुए खून खोलना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ी शुरू हो जाती है कि ये क्या है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाना महंगा, पीना महंगा, आपकी पेट्रोल महंगी, बंदा किधर जाए, जाएँ तो हम कहाँ जाए। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलें एक अच्छी चीज़ जो हुई है कराची दूसरे टेस्ट की मेज़बानी को तैयार, पाकिस्तान श्रीलंका की टीम्स की प्रैक्टिस, देखते हैं कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच 19 दिसंबर से स्टार्ट होना है उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स है हमारे पास। कराची में महमूद रियाज हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप, ज़रा अपडेट दीजिए हमें क्रिकेट की। जी वालेकुम सलाम जुगन, इस वक्त जो है कराची के अंदर बड़ी खुशगवार ठंडा मौसम है सुबह, और उसमें दूसरे टेस्ट के लिए तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। 19 से 23 तक दूसरा टेस्ट खेला जाएगा, रावलपिंडी में होने वाला पहला टेस्ट बगैर किसी नतीजे ख़त्म हुआ, तो इस टेस्ट पर जो है वो अजहर 11 की बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं, और पाकिस्तान टीम ने कल भी प्रैक्टिस की है, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो हैं वो ग्राउंड में आएंगी और सख्त सिक्योरिटी जिसके स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी गई है उसमें वो टीमें प्रैक्टिस करेंगी, जबकि आज दोनों टीमों के कप्तान जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूसरी भी है, जबकि श्रीलंकन खिलाड़ी हैं उन्होंने कराची में जब सैन बड़ा इंजॉय किया, रात गए वो साहिल पर, एक उन्होंने दो दरिया पर जो कि होटल्स हैं वहाँ पर उन्होंने बेहतरीन डिनर किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी बारबेक्यू और पाकिस्तानी खाने खाए जो कि उस बहुत ज़्यादा महसूस हुए। तो कराची के अंदर और पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों के लिए सिक्योरिटी लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता नर्म किया जा रहा है, चूंकि टीमें जो आती थी वो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म और पाकिस्तान के माहौल से इंजॉय करना चाहती थी, तो जैसा कि PSL पूरे का पूरा पाकिस्तान में होगा, पिछले सीजन में कुछ मैचेस हुए तो अब जो टीमें हैं वो शहर में जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स में कुछ शॉपिंग भी करती हैं। कल रात भी श्रीलंकन टीम के कुछ अक्सर खिलाड़ी जो थे कराची के एक मारूफ रेस्टोरेंट में समंदर पर किनारे साहिल पर उन्होंने डिनर रात में किया जिसकी के बहुत उन्होंने पजीराई हुई, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर मैचेस की आमद हो गई है, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, सिक्योरिटी सख्त है और पाकिस्तान ये टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहता है। जी इंशाल्लाह, बट खैर हमारे इंटरनेशनल टीम्स आना ही हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और अगर हम जीत भी जाएं तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ आमना से कश्मीर के किचन में मुलाकात होगी, और उसके साथ साथ तो बहुत ही टैलेंट यंग पीपल जो सोशल मीडिया के स्टार्स तो बनी गए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे टोटल मीडिया के स्टार्स बन जाए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम आ गए हैं कश्मीर के किचन में जहाँ पे हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सी शेफ आमिना रिजवान, जो कल बहुत रोई, धाड़े मार मार के रोई, चीखे मार के रोई कि जुगन तुमने मुझे टाइम नहीं दिया ऑन एयर। लो आमिना मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। कल हम इतने बिजी हो गए भूल गए ना, मैंने कहा आज आमना को नहीं भूलना, जो हाथ आपको खिलाता है उसको बढ़ना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो बड़ा नहीं है बट बट सिग्नेचर की काट लेती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि क्या सिचुएशन है।
अब हम बनाए हैं फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस है, उसके लिए वेजिटेबल्स पड़ी हुई है मेरे पास चॉप, और साथ में फिश मैरिनेट की है मैंने. इसको हम कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके फ्राई कर लेंगे. फिर उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेवी बनाएंगे. वेजिटेबल्स में लूँगी कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, और स्प्रिंग अनियन लेंगे, और वो फ्राइड जो हमारी फिश है वो इसमें डाल देंगे. बनाना ब्रेड बेक होने चली गई है. All ready to go. इतनी प्यारी और खानदानी बनाना ब्रेड है कि उसको गले लगाने को दिल चाहता है, लेकिन शायद मैं सड़ जाऊंगी. वो जब बाहर आएगी फिर आप उसे गले लगाइएगा. मैं उसे गले लगा लूंगी और फिर मैं सड़ जाऊंगी. और फिर नहीं, आपको मजा आएगा. फिर सड़ने पे कल हम प्रोग्राम करेंगे. लोग वैसे दिल में सड़ते हैं, हम एक्चुअली सड़ के दिखाएंगे. अच्छा, अजीब वो गरीब बातें कर रही हो आमना सुबह सुबह. नहीं मैंने नहीं, मैं जा रही हूँ वापस. अच्छा बताओ क्या बात करना चाह रही हो. और मजीद मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे पास खड़ी हो, मैं आपके लिए फिश बना रही हूँ. खाएंगी आपने, आज खानी है ये आप वादा करें. आप सब आमना के लिए दुआ कीजिएगा कि आमना का दिमागी तवाज़ुन जल्द ठीक हो जाए. मैं जा रही हूँ वापस. अच्छा व्यूअर्स, सरप्राइज, एक तो प्यारी से आमना से आपकी मुलाकात कराई, लेकिन दो छोटे छोटे से पाड़े से बेबी से आज हमारे पास इतने पाड़े बच्चे थे. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे अभी तो ये सोशल मीडिया स्टार्स हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये हमारे एक्चुअल सुपरस्टार्स बन जाएं पाकिस्तान के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. व्यूअर्स, टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के टैलेंट को उस तरह सराहा नहीं जाता जिस तरह सराहा जाना चाहिए. होता यह कि कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है, फिर उसी चीज़ में जितनी देर तक वो वायरल होती है तब तक उन लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जैसे ही टाइम गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं. और मेरे ख्याल से शदीद ज़्यादती है, क्योंकि टैलेंट तो टैलेंट है, वो एग्जिस्ट करता है. तो हमारे साथ है मिस्टर नुमान हैदर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मैं सदके जाऊं आपकी स्माइल के. और वो जो छोटा हमारा डेंटोनिक बेबी है अदम अब्बास भी हमारे साथ हैं. आप क्लास 2 में पढ़ते हैं जी, और आप क्लास 5. मैं सकरे जाऊं आपके. अच्छा अब ये जो एक मैड सी आंटी है वो यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं जो नुमान के फादर हैं और उस्ताद हैं दोनों के, मोहम्मद जफर हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. एंड ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत ही ऑसम पर्सनालिटी, लेकिन उनसे हमने कुछ सुनना भी है, उनकी तरफ हम थोड़ा सा आगे जाके जाएंगे. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं जफर भाई के, ये बच्चों में टैलेंट है किस तरह पता चला? इतनी छोटी उम्र पे यूजुअली नहीं पता चलता क्या? माशाल्लाह ये बचपन से ही माशाल्लाह 4 साल की उम्र में गा रहे हैं. अच्छा. और ये हमारे 14 पुश्ते हमारी माशाल्लाह इसमें रिलेटिव हैं, माशाल्लाह खून में शामिल इनके. अच्छा. ये गाना और माशाल्लाह जैसे भी जो भी उनको गाना देते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभा जाते हैं. और माशाल्लाह आपकी फैमिली में कलाम, नाथखानी वगैरह, नाथखानी कवाली हमारे ये माशाल्लाह हमारे 14 पुश्ते हैं, जिसमें हमारे दादा थे, उनके बाद हमारे वाल साहब आशिक अली खान नसार अली कवाल, उनके बाद जहूर मकबूल कवाल आए, मेरे बड़े भाई इश्तियाक माशाल्लाह, वो उनके फरख अली मून, वो सारे हमारे सारी जनरेशन चलती है. इंडिया में गए थे ना फरख अली मून. जी 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 बिल्कुल, ऑफ कोर्स. वो मेरे ये इनके कजन हैं. इनके कजन हैं. अच्छा गाने तो गा लेते हो, बातें करते हो? जी जी. अच्छा मिस्टर अदम अब्बास, आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सिंगिंग का शौक, पहला गाना याद है कौन सा गाया था? पहला गाना मेरा ये भ्रम था मेरे पास तुम हो. मैं सज के जाऊं. अच्छा और आप बताइए नुमान, फर्स्ट सॉन्ग कौन सा गाया था? यही वाला गाया था. यही गाया था. अच्छा नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 साल की उम्र से आप लोग गा रहे हो जी, तो वो 4 साल की उम्र से तो हम नाते पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमने याद किया था गाना. अब आपने गाना याद किया था, यही एक गाना आता है या बहुत से गाने आते हैं? और भी आते हैं गाने. और भी आते हैं. अच्छा अब मैंने आप दोनों से अलहदा कुछ सुनना है बातों के अलावा, क्योंकि बातें करने के लिए तो फूफो बैठी हुई है ना यहाँ पे और आपके अबू भी बैठे हुए हैं, तो आप क्या सुनाएंगे मिस्टर निकू? मैं खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गजल सुनाऊंगा. शद के जाऊं आपके सुनाए. कहां के रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ता उसे भूल जा, कहां के रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ता उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहां
तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा, कहाँ के रुक लेते रास्ते। ऑसम। अच्छा ये बताओ, कुछ पता भी है कि क्या सुना है? गजल। गजल जो सुनाई है, गजल के वर्ड्स का मतलब पता है ना? मैं सदके जाऊं, इसका भी मेरे वाला ही हाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी एज राइट है चीजें ना जानने के लिए, बट वही होता है ना, इस एज पे कहां पता होता है कि क्या पेश कर रहे हो। दादा स्लाइट हैं। वेल डन माय डार्लिंग, वेल डन। अच्छा लेकिन क्योंकि इनके अब्बा भी हमारे साथ हैं, तो इनके अब्बा की तरफ भी हम जरा अपने आप को टर्न करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आजम साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जब अपने बच्चे को इस तरह परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वो जो कहते हैं कि चिचियों वाला प्यार नहीं आता, मैं आपकी एक्सप्रेशन देख रही थी, दिल चाह रहा था कि चक्कियां काटने को दिल चाह रहा है। माशाल्लाह इतने क्यूट हैं आपका आपका बेटा। ये अल्लाह ताला की रहमत है, इनको गॉड गिफ्ट है। लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, नाथवा हैं आप भी, तो राइट जी। हमारे साथ जो मेन है ना, वो हमारे सिंगर या नाथ हमारे भाई हैं, मेन लीड ये करते हैं, तो हम इनके साथ दो चार महीने आपसे कुछ सुनाएंगे आप। ये होता है छमिया आ गए आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन छोटे उस्ताद की तरफ तो हम पहले आए ना, उस्ताद को तो हम एंड में सुनते हैं, क्लोजिंग एक्ट। अच्छा तो ये बताइए कि इनको सिखाना कितना मुश्किल है? सिखाना मुश्किल नहीं है इनको, मैंने पहले भी पढ़े इनके। हाँ, नहीं करते आपको मतलब जब यंग एज में जब, और वो भी लड़के दोनों। माशाल्लाह बड़ा इनके अल्लाह ताला का खास कर्म है इन पर। अच्छा बहुत अच्छे तरीके से निभा जाते हैं गाने को। ये कितना मुश्किल गाना था? नहीं बच्चे सिखा के इनको सिखाना कितना मुश्किल है? मैं तो अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करा सकती, तो आप तो सिखा के। पता बात ये है कि मैं ये पहले बता दूं, खुदा दा सलाहियत है इनमें बिल्कुल माशाल्लाह। इनको ज्यादा थोड़ा सिखाते हैं, पिक कर लेते हैं माशाल्लाह को। अच्छा और जैसे भी है। डांटते कितने अब्बू, सच बताना, सच बताना। डांटते जब भी है, जहाँ से गलती होती ना गाने की, वहाँ से कहते हैं कि ऐसे नहीं करना। अच्छा ये बताओ कि जब डांटते हैं तो कैसे डांटते हैं? ये ऐसे ही के तुम यहाँ से ठीक नहीं कर रहे, ऐसे करो, यहाँ दोबारा से करो, ऐसे ही कहते हैं? जरा डांट के कहते हैं? नहीं नहीं ऐसे कहते नहीं, कभी भी मार भी देता हूँ उनको। मारनी प्यार। आप मार के देखें, हम सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। आपकी मारे अच्छा आप करके देखें मेरे बच्चों को हाथ। अच्छा मिस्टर आप क्या सुनाएंगे? मैं खान साहब मेहंदी हसन साहब की गजल सुनाऊंगा। उनको ट्रिब्यूट पेश करोगे? चल आजा मेरा बेटा। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा सूरत हालात क्या कहूँ,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा आप दोनों से भी मैंने अभी कुछ सुनना है कंबाइन, ठीक है ना, दोनों बेबीज से। लेकिन पानी साथ पड़ा हुआ मेरे बेटे के लिए, आ जाओ यहाँ से पकड़ लो, मैं सद के रुको, ये लो मेरा बेटा। लाइव प्रोग्राम की यही तो बात होती है ना कि हर चीज ऑनरी हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि इनके लिए क्या, किस किस्म का फ्यूचर चाहते हैं, आपका ख्वाब क्या है एक उस्ताद होने के नाते, एंड देन ऑफ कोर्स एक आपका नेफ्यू है एक अपना बेटा है, तो क्या ख्वाब है आपका? ये दीचा है मेरा, वो भी चाचाजाद भाई हैं दोनों, चाचाजाद भाई हैं दोनों, तो ही कह रही हूं ना एक आपका नेफ्यू हो गया, तो क्या ख्वाब है आपका इनके लिए, क्या चाहते हैं? ये तो अल्लाह ताला ने पूरे करने हैं ख्वाब, लेकिन बताएं तो ख्वाब तो यही है कि अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छा सुपरस्टार बनाए और फ्यूचर में इनका एक अच्छा मुस्तकबिल बने इंशाल्लाह, और आप लोगों के तावन होगा तो फिर ही बनेगा। हम तो आपके साथ हैं बॉस, मैंने आपको कहा है अभी इंशाल्लाह हम और भी आपको कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जगहों पे हम आप लोगों को लेके जाएं और आप लोगों की एक वो क्रिएट करें। बात ये है कि आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो आगे तभी निकलेंगे। दोनों शुरू हो गए खुशफुस में। अच्छा मिस्टर खुशफुस ये बताइए कि इनसे क्या सुनना है आपने, आप लोग इनसे फरमाइश करेंगे। मेहदी हसन की गजल अब आपसे सुनेंगे, बच्चों की फरमाइश है आपसे, क्या सुना? चले माइक में आप तक पहुंचाती हूँ, ये लीजिए भैया, अब ये आप अपने इन बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं। शुरू करें जी जी। झुके झुके नैनों वाली चैन मेरा रे गए, दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए, झुके झुके नैनों वाली चैन मेरा दे गए, दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए, झुके झुके नैनों वाली पलकों ही पलकों में बस एक पल को चुचुके से कुछ ऐसे देखा, हम तो ये भी देख ना पाए इन नैनन ने कैसे देखा, आंख मचोली खेले रंग बिन होली खेले, तन मंडप हो गए झुके झुके नैनों वाले चैन मेरा ले गए, दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए, झुके झुके नैनों वाले। ऑसम। अच्छा अब मैं अपने दोनों बच्चे जो है ना वहां पे ले जाके बैठने लगी हूँ, आ जाओ चलो हम लोग यहाँ पे जरा बैठ के ना वो सुनेंगे जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। बेटा एक और माइक, एक मेरे पास बेबी यहाँ पे आ जाएगा, एक बेबी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा पहले तो ये बताओ ना दोनों कि बड़े होके क्या बनना है, आपने क्या बनना है मिस्टर बड़े होके? बड़े होकर मैं इंजीनियर की नौकरी करूंगा फिर सिंगर बनूंगा। इंजीनियर के लिए नौकरी करोगे या खुद इंजीनियर बनोगे? खुद इंजीनियर। बस ठीक है इधर आओ, और आप बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं पहले बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूंगा। हाँ मैं सच के जाऊँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने छोटे से बेबी की। अच्छा बड़े होकर सबसे पहले आप अच्छा इंसान बनेंगे, अभी अच्छे इंसान नहीं हो? अभी भी अच्छा, अभी भी हो, अच्छा मजीद और अच्छा इंसान बनना है। अच्छा मामा ज्यादा अच्छी लगती है कि बाबा? दोनों ही। ज्यादा कौन अच्छा लगता है? दोनों ही। ये पॉलिटिकली करेक्ट बच्चा है। अच्छा आपको मामा ज्यादा पसंद है कि बाबा? दोनों ही। दोनों को रख ले हम। चलो ठीक है, अब वो आपका गाना जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ उसको सुने। चल इनको सुनते सुनते हम अपने प्रोग्राम को ब्रेक की तरफ लेके जाएंगे। ओवर टू यू गाइस। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्शे मिटाते जाओ, चलो रसमन ही सही
सताए कभी कभी ये रुलाए फकत मेरे दिल से उतर जाएगा फकत मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा कभी कभी ये मुझे सताए वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आपकी डिमांड थी कि कपड़े जो एक मेजर इशू और अजाब होता है लोगों के लिए इन द विंटर सीजन के भाई क्या पहने कैसे पहने किस किस्म की लुक होनी चाहिए. तो हमने सोचा कि तीनों एरियाज को कवर करते हैं. कैजुअल रेडी टू वेयर देन ऑफ कोर्स यू हैव गॉट फॉर्मल वेयर एंड देन यू हैव गॉट कुट्योर या ब्राइडल वेयर. तो तीनों एरियाज को हम कवर करेंगे. अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी ब्रांड हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है जो तीनों एरियाज को कवर करती है. सो सबसे पहले मिलते हैं फरहान नवीद से, ब्रांड हेड ऑफ शेनियर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जुगन. वी मीट अगेन फरहान साहब. प्लेजर इज ऑल माइन. ओके, एज लॉन्ग एज ही एडमिट्स द प्लेजर इज ऑल हिज, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड फौजिया हुसैन, जो फॉर्मल वेयर डिजाइनर हैं और शी हेड्स दैट डिपार्टमेंट एट शेनियर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. And then we have with us एक ऐसी personality जिनसे मेरी perpetually लड़ाई ही रहती है. अशरफ हमारे साथ है, कुछ और ब्राइडल वेयर के हेड है एट शेनियर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बाकायदा जो है वो मॉडल से ज़्यादा तैयार होके आ जाए हैं. डिजाइनर्स को ऐसे ही होना चाहिए. बाकी भी डिजाइनर बैठे हुए हैं लेकिन चले आपकी कैटेगरी के डिजाइनर्स. हाँ, को ऐसा ही होना चाहिए. डन हो गया, हम बात यहीं पे छोड़ देंगे. अच्छा, आई फर्स्ट वांट टू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ शेनियर. उसके बाद ऑफ कोर्स वी व्यूअर्स डोंट वरी, हम आपको दिखाएंगे भी कि किस किस किस्म की लुक्स आप इस विंटर सीजन में स्पॉट कर सकते हैं. सबसे पहले तो फरहान साहब ये बताएं कि शेनियर के इस ब्रांड के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. आई थिंक इट्स 19 ईयर्स ओल्ड. जी, इट्स 19 ईयर्स ओल्ड एंड इट्स हैज वन ऑफ दोस ब्रांड्स जिसकी एक बड़ी स्ट्रांग कल्चरल वैल्यू है in defining the right women of the subcontinent. So humne bahut techniques pe aur bade essence ko leke chale hain aur jisko humne maintain kiya hai. Our ethos has always been ki hum apna pure kaam kare, apna wo kaam kare jo ke you know is mana jaye. So jab aap Chanel ki baat karte hain to aapko uske kapdon mein ek alag pehchan nazar aati jo ke aapko usually brands mein nazar nahi aati. And our clientele has been very faithful with us. Hamari clientele is very loyal to us. And they come back to us. They always come as a repeat customers. They always interested in what are we offering. So techniques, using of the fabrics. But aapki brand philosophy kya hai? Because the point is, bahut se brands hain jo pop up karte hain over the years, but loyalty nahi banti customers ki towards the brand. जी जी. Why? मतलब आपको क्या? What is your about your brand? ऐसी क्या चीज़ आपकी brand philosophy के बारे में जो बार-बार customer को attract करती है? देखिए, it's about doing this. Affordable है क्या है scene? It's affordable and it's fashionable in a way that would depict karta hai aapki true personality ko. Hum kapde aise nahi banate jo overshadow karte hain kisi ki personality ko. Kapde complement karte hain hamare uski personality ko, uske occasion ko. Aur dusri baat ye ki aaj kal kapde kuch aise banne shuru ho gaye hain jo kam se kam main to apne family occasions pe aur publicly pehen nahi sakti. To bahut se aise kapde bhi to aaj kal market mein aa gaye hain jo unwearable hain. Ji bilkul.
ब्रांड्स का फोकस हो गया कि कम से कम मटेरियल इस्तेमाल करो और महंगे से महंगे प्राइस चार्ज करो। आप लोग अल्लाह का शुक्र है पूरे पूरे कपड़े बनाते हैं। जी जी, हम पूरे कपड़े बनाते हैं और हम उसके उस ओकेजन पे, जिस ओकेजन के लिए बनाते हैं, उस पर आप पहन के यू कॉम्प्लीमेंट द क्लोथ्स एंड क्लोथ्स कॉम्प्लीमेंट यू। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट व्हाट वी ऑफर इन शनेर, बिकॉज देयर इज अ डीप थॉट प्रोसेस इन एवरी सिंगल डिजाइन दैट कम्स इनटू द मार्केट एंड इज अवेलेबल फॉर सेल। बिल्कुल सही। व्हाट वुड यू गाइस लाइक टू से अबाउट द ब्रांड? आपके स्पेसिफिक कलेक्शंस के बारे में तो हम आएंगे, बट क्या कहेंगे आप ब्रांड? शनेर हमारा एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत अरसे से हम वी बिलीव इन क्वालिटी प्रोडक्ट, और एट द सेम टाइम वी बिलीव दैट वुमन, द शनेर वुमन हैज़ टू लुक ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम शी हैज़ टू लुक गॉर्जियस, एंड फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी क्लोथ्स। और हमारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हम सेमी प्रेशियस एम्बेलिशमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और सेमी प्रेशियस मटीरियल अलॉन्ग विद आर रॉयल फैब्रिक्स, और जिसको कहते हैं कि फैब्रिकेशन में हम मज़ीद डेवलपमेंट्स करते रहते हैं। सो दैट एक्चुअली मेक्स शनेर यू नो डिफरेंट फ्राम अदर ब्रांड्स ऑल्सो। सही। What would you like to say about them? खैर, आप उसके साथ है तो ब्रांड तो यूनिक हो ही गई ना आरिफ। ऑटोमेटिकली खुदा ना खास्ता। लेकिन वैसे आप क्या कहेंगे? जैसे फौजिया फरहान ने आपको बताया, बिकॉज इन सबसे ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं ब्रांड के बारे में और कपड़ों के बारे में। इनकी मैं शो स्टॉपर थी, इन्होंने मुझे मैड कर दिया था एक्साइटमेंट के बारे में। यू नो कुछ लोग होते हैं जो आपको डांटते हैं और आपको पागल करते हैं। शनेर विद इज सो मच एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस अबाउट मेकिंग क्लोथ्स, एंजॉयिंग द प्रोसेस। यूजुअली जब आप क्लोथिंग लाइन के अंदर एंटर करते हो, वर्क टू द लॉट ऑफ पीपल, ऐसे लगता है सांप सूंघा हुआ है सबको, बट देयर इज अ हैप्पीनेस विद इन योर द होल प्लेस। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो ये क्या रहा मैं बता रहा था, जैसे फौदियर फरहान ने आपको बताया कि हमारा जो ब्रांड है वो बाकी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि एक चीज़ तो जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं, जो शनेर क्वालिटी दे रहा है, वो मार्केट में कहीं नहीं है। दूसरी चीज़ है जो रेंज हम लोगों की होती है, जितनी बड़ी रेंज हम लोग देते हैं वो कोई मार्केट में नहीं दे रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको वैरायटी नजर आती है हर एक कैटेगरी में। ये तो मैं जरूर कहूंगी कि व्यूअर्स आपको क्वांटिटी भी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, आपको क्वालिटी भी मिलती है, एंड देन उसके साथ साथ द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज वेरिएबिलिटी मिलती है। यू नो आप बड़ी महंगी बड़ी खूबसूरत दिखने में चीज बना लें, लेकिन जब आप उसको पहने तो आप उसमें कंफर्टेबल ना फील करें। अब देखिए, मैं काम वाला जोड़ा शनेर का पहना, वो मुझे चुभ नहीं रहा कहीं से, आई एम नॉट अनकंफर्टेबल। व्हेन यूजुअली जब आप काम वाले कपड़े पहनते हैं तो आप इसी तरह अपने कपड़ों को खींचते रहते हैं कि यार जगह जगह से चुभ रहा है। एग्जैक्टली। चले, सो लेट्स लुक एट द कैजुअल लाइन। फ्रांस, आप यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू अस आल्सो। सो हमने सोचा कि हम आपको तीन तीन डिजाइन ऑफ ईच दिखाएंगे ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर ले व्हाट यू थिंक, एंड देन उन तीनों कट्स पे हम डिस्कशन भी करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक। Absolutely lovely and three very very different looking outfits. और ये आपकी casual range है? जी, this is a casual range. हमारे साथ आमिना राय हैं, टीना राना हैं, and उष्णा मरियम हैं, our three gorgeous models. Thank you so much. And viewers, आपने देखा होगा कि हमने three different body types की भी models को इसलिए रखा है, because हम चाह रहे हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप typical जो model होती है ना, वो 5 फुट 10 इंच की, उनके लिए आप लोग कपड़े बनाते हैं। बात यह कि
उनका जो फिगर होता है, जिस किस्म की लुक होती है, इट्स ब्यूटीफुल, बट हर बंदा इस तरह का नहीं होता. लाइक आई एम नॉट, आई एम 5'4" एंड आई एम अ कर्वी पर्सन, आई एम नॉट अ कम्प्लीटली, मेरा स्ट्रेट फिगर नहीं है, तो मेरा जैसा बंदा कहाँ जाए कपड़े लेने के लिए. 90% डिजाइनर के कपड़े तो आप कैजुअल वेयर भी नहीं पहन पाते. You know that. बिल्कुल. So when, and it was wonderful is a man is heading it, but a man is conscious of the fact that different body types के लिए different cuts होते हैं. जी. So let's talk about the first outfit. जी. ये print range के अंदर से है. If you see, this is the print we've developed. And इसके अंदर embroidery और इसके साथ हमने print को mix किया. So this is like for, you know, for a day in day out 24/7 wearing के लिए आपके एक product है, which is fashionable and which is unique in a sense. And lovely chiffon ka dupatta with that as well. अब आप इसी जोड़े को जो है वो with the chiffon ka dupatta पहन ले, शॉल के साथ पहन ले. अच्छा, casual line में आपके variations भी, I mean आपके पास separates भी होते हैं ना? जी, separates भी होते हैं. Separates में भी offer dupattas and we also bottoms के अंदर भी अपना shawls भी आती हैं. Shawls भी होते हैं, क्योंकि मैंने जब last time उठाए थे वहाँ से जाके, तो मैंने mix and match किया था. Picked up velvet की collection से मैंने shirt उठाई and then बाकी बड़े and very nice separates by the way. जैसे कि gold pants and gold सलवार आपको मिलती नहीं. बंदा and it is the most worn thing. और अगर दूसरे अपने wardrobe को देखें तो वो it's a perfect compliment to anything that you wear. Absolutely. Gold bhi aapke paas available hota hai, silver bhi hota hai, black, antiques, white, beige, everything. Exactly. Everything. Acha, what about the next outfit? Ye ji, basically isme aap embroidery ki aap fill ki aap fusion dekhengi. Done on a, this fabric is khadar, I guess. Cotton net. Cotton karandi. Cotton karandi ke upar ji it's a fusion and it's also, you know, supposed to be worn on daily and day in day out. So ye color basically jo hai, it's the color of the year. So that's why this is one of the, you know, hottest selling product we have right now in our stores. So you keep your things on trend as well, like what, what works and what doesn't. Acha, and what about what Ushna is like? I think it's beautiful. Haan ji, that's jacquard. Jacquard mein ye weave kara hai. This is our own design, created design that's weaved in jacquard. And the golden pants are complementing, jamavar is complementing the green on the top. So this is again for, you know, for an evening wear or for, you know, a day out. Something you can just buy off the shelf and, you know, wear it to an event or where you want to go. And baat ye hai ki it, you can wear it to a lunch, you can wear it to a dinner, you can even wear it to a dholki or or a mehndi. Exactly. And aajkal to aapko pata hai waise hi formal clothes kapdon ke saath agar aapke paas shawl ho to it makes it slightly more you know, comfortable sardi ke season mein, kyunki har banda nahi velvet pehna chahta. By the way, Shneher ki velvet collection bhi bahut mazey ki hai. Maine baar baar unke jaake utha lete the ki mujhe pehne the, balki show pe aapne dekha bhi hua mujhe pehnte hue. Hum break ki taraf jayenge. Thank you so much to our beautiful, we're going to see them again now in the next collection. Aapko dikhana chahte hain, aksar aisa hota hai ki different models for different collections hoti hain. We've got the same girls wearing 3 different lines inki, to break ke baad hum aapko next line dikhayenge. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. एज यूजुअल आरिफ और मेरी फिर लड़ाई हो गई ब्रेक में, बट वी आर नॉट टॉकिंग टू इच अदर नाउ, एट लीस्ट इन दिस सेगमेंट. सो आरिफ, यू आर वेरी रूड, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. ओके, अच्छा कुछ नहीं कह रहा, कुछ कह भी नहीं रहा ना डिफेंड करने के लिए अपने आप को, सिर्फ ये सोच रहा है कि ऑनर कितनी मैं रिस्क ले सकता हूँ. उस बेचारे ने आज तक मुझे कुछ नहीं किया, मैं जनरली उसके जान के पीछे पड़ी हुई हूँ, उसकी दुश्मन बनी हुई हूँ. आई विल से दिस ऑन रिकॉर्ड, बट आई विल नॉट स्टॉप हरेसिंग हिम. अच्छा, ही इज अ स्वीट मैन, ही डजंट डू मच ऑफ अ काउंटर अटैक्स टू एनीवन. वो कितना स्वीट है ये हम ब्रेक में डिस्कस कर चुके हैं, और ये हम मजीद अगली ब्रेक में डिस्कस करें. लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब प्यारी सी फौजिया इन दो लड़कों के बीच में फंसी गई है, तो इनसे पूछ लेते हैं. अब जो हम नेक्स्ट कलेक्शन देखेंगे उसके बारे में हमें बताएं, योर फॉर्मल लाइन. जी, फॉर्मल लाइन, देयर इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ बिहाइंड एवरी सिंगल डिजाइन, और हम सारा कुछ डिटेल स्केचेस करते हैं ताकि हमारा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, हम में कौन कौन है ये बताएं. यानी देयर इज अ फॉर्मल टीम अलोंग विद मी, ठीक है, और हम मतलब स्केचेस तो हम इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन व्हाट आई स्केच आई हैव टू यू नो गिव इट अ डीप थॉट, और हम सारी रिसर्च करके और फिर मैं मतलब स्केचेस करती हूँ. उसके बाद वी यू नो प्रोड्यूस सैम्पल्स, जो कि एक अप्रूवल के तहत ही शॉप्स तक जाती है. तो मेरी मैडम जो मैडम सीमा अजीज हैं, शी इज आवर मेंटर, एंड शी वांस एडवाइज मी कि यू हैव टू डिजाइन कीपिंग इन माइंड दैट हु इज गोना वेयर दिस, हु इज गोना बाय दिस,
एंड फॉर व्हाट ओकेजन दे हैव टू यू नो बाय दैट जोड़ा. यही तो बात है व्यूअर्स, हम आजकल के जमाने में कपड़े तो ले लेते हैं और फिर बाद में सोच रहे होते हैं कि क्या. देखिए जो ओकेजन है उसके हिसाब से कपड़े लेने चाहिए. और मुझे बाय द वे सबसे ज्यादा व्हाट इस बात का चढ़ता है कि दुल्हन से ज्यादा भारी कपड़े जो है वो दुल्हन की बहन या लड़के की जो बहन है वो पहन लेती है. एंड यू नो बिल्कुल जो दुल्हन है वो ओवरशैडो हो जाती है. एक ये भी तो अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए ना. तो हम इसी तरह के कपड़े फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल ओकेजन्स वी आर प्रोड्यूसिंग. और साथ में ये है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें वी डिज़ाइन टाइमलेस फैशन. और हम मतलब के 5 साल के बाद भी वो जोड़ा पुराना ना लगे और उसकी वैल्यू इस तरह से ऐड की कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगाए और वो एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव और शनेर वुमन लगनी भी ब्यूटीफुल चाहिए. और शुक्र है कि किसी ब्रांड को इस चीज़ का भी एहसास है कि जब आप महंगे फॉर्मल कपड़े बनाते हैं तो आप हर साल 10 नए जोड़े नहीं बनाना करते. एक भी बनाना बड़ा मुश्किल होता है. ये तो मैं कहूंगी जरूर कि एक तो अफोर्डेबल भी होता है और आप बार बार पहन सकते हैं और कल को अपनी औलाद को भी पास हो. मुझे याद है हम अपनी अम्मी के और यू नो या नानों की साड़ी यू नो ये चीजें पास ऑन होती थी. अब पास ऑन करने के जोगी नहीं होती चीज क्योंकि आप दो दफा पहनते वो बर्बाद हो जाती है या उधड़ना शुरू हो जाती है. तो हमारी रेंज में कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं बिकॉज एट द सेम टाइम वी फील दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्टेज देयर. बिकॉज आपने अगर कोई शर्ट ली है तो आपको समझ नहीं आ रही क्या उसके साथ आपने शॉल क्या लेनी है या दुपट्टा क्या मैच करने. सो वी प्रोवाइडिंग शॉल्स दुपट्टाज एट द सेम टाइम वी प्रोवाइडिंग बॉटम्स एज वेल शराराज. सो देयर इज अ हैवी रेंज ऑफ ऑल दीस कोऑर्डिनेट्स. सो 3 different looks हम आज लेके आए हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मल रेंज और फिर आप उन तीनों को हमें डिस्क्राइब करना. तो आइए देखते हैं. Lovely. Okay, so now let's discuss the line. We've got 3 different outfits, 3 very different looks. Oh, velvet wala pehen chuki. Let's talk about that one first. Okay. Wo maine pehna hai. So the maroon velvet is actually a very royal fabric and the color. We actually believe in using jewel tones. तो मैं बता दें ताकि jewel tone अच्छा ठीक है. मतलब इस तरह से कि तिल्ले का काम है ऊपर और semi precious stones लगे हुए हैं और हमारी अपनी gold printing का दुपट्टा है साथ में शिफॉन का और जामावार की pants है. इसकी सारी डिजाइनिंग हमने खुद की हुई है. अच्छा अब इसके साथ आपको शॉल नहीं लेने की जरूरत क्योंकि जब आप एक दफा हॉल में अंदर चले जाते हैं तो then it's warm enough. बिल्कुल. But लेकिन बट वेलवेट की सबसे अच्छी बात ये है कि देन यू आर कंफर्टेबल. इट्स लाइक वेयरिंग अ स्वेटर. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. और इसमें शॉल पहनो ना पहनो कैमोफ्लेज भी कर देता आपको वेलवेट. सो इट्स एन यू नो इट्स अ प्रीटी गुड पिक फॉर एवरीवन. अच्छा दूसरा है शिफॉन का. और शिफॉन हमारा बहुत हॉट सेलिंग फैब्रिक है और क्योंकि वी डील इन प्योर शिफॉन्स और हमारा जो काम है उसके ऊपर उसके अंदर जाली है सारा
तिल्ले का काम है, एम्बेलिशमेंट्स में सारे हमारे सेमी प्रेशर स्टोन इस पर भी लगे हुए हैं, और इसके साथ भी स्क्रीन प्रिंटेड दुपट्टा है, और साथ में जामावार पैंट्स पे अडॉप्ट किए हैं। बिल्कुल, एंड द पॉइंट इज वंडरफुल थिंग अबाउट इट इज कि ये जो दुपट्टा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स, इट्स सच अ लाइट वेट दुपट्टा कि आपको अजाब नहीं लगता। तो अगर इसके साथ आपने शॉल कैरी की भी है तो यू आर नॉट फीलिंग लाइक योर यू नो ये भी उठाया हुआ है और वो भी उठाया हुआ है। एंड वी प्लस वी प्रोवाइड क्लचेस आल्सो, द कोऑर्डिनेट क्लचेस। जो तीसरा है वो भी अगेन डिफरेंट फैब्रिक है ऑर्गेंजा, और इसमें भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई सारी और पर्ल्स वगैरह और नक्शी दबके का काम है, साथ में इसके ऊपर भी गोल्ड प्रिंटेड पैंट्स हैं, साथ में दुपट्टा शिफॉन का लगाया है। एंड यू नो द थिंग इज व्यूअर्स, अगर आप देखें तो अगर आप इस तरह के कपड़े बनाते हैं तो ये टाइमलेस हैं। एग्जैक्टली, द ब्यूटी ऑफ देम इज दैट टाइमलेस। अगर अगर आजकल बड़ा इन है चोलियां और घघरियां, अब हर बंदा चोली नहीं पहन सकता, हर बंदे का पेट बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, और जब जरा इंसान जरा सा हेवियर साइड पे और उस तरह से पहने तो थोड़ा सा वो उपसीन भी लगना शुरू हो जाता है, उनको भी वेरी ब्लंट। देखिए जिस्म के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, मुझे पता है कि वेस्ट में बड़ा ये कल्चर हो गया, थैंक यू सो मच गर्ल्स यू लुक ब्यूटीफुल, नेक्स्ट जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। अच्छा, सो द पॉइंट इज जिस्म और वजूद के हिसाब से भी तो कपड़े पहनने चाहिए ना। सो इसमें एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, देखिए शनेर में एक जो आप चीज नजर आती कि शनेर हैज गॉट 74 आउटलेट्स अक्रॉस पाकिस्तान, सो उसका एडवांटेज ये कि जी आपको छोटे से छोटे शहर जैसे मंडी बहाउद्दीन है वहाँ पे भी आपको ये कपड़े मिलेंगे, सो दे डोंट हैव टू कम टू लाहौर टू कराची टू इस्लामाबाद टू गेट फॉर्मल क्लोथ्स, इट्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सो रीच कन्वीनियंट हो जाती। बिल्कुल, और एक और जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं वो उनसे ये सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है कि शादी का जोड़ा लेने जाने तो शनेयर चले जाओ, ऑफ द रैक आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आई वांट टू कम टू यू, जब हम कुट्योर एंड ब्राइडल की बात करते हैं तो वो फॉर्मल से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि बंदा कंफ्यूज कर लेता है ना अक्सर फॉर्मल को कुट्योर एंड ब्राइडल के साथ, तो आपकी कलेक्शन डिफरेंट कैसे होती हैं इन इस कलेक्शन से? ब्राइडल बेसिकली फॉर ब्राइडल। अच्छा, मतलब इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल। इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक तो हैवी फॉर्मल होते हैं जिस तरह अगर किसी दुल्हे या दुल्हन की बहन ने पहनने हैं, उसकी माँ ने पहनने हैं, तो दे आर लाइक मेक टू ऑर्डर्स। अच्छा, वो मेड टू ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर्स हैं, क्योंकि किसी ने कम करवाना है काम, किसी ने ज्यादा करवाना है भाई, ये बजट के अंदर ना। एग्जैक्टली, अब एक बंदे का बजट ही 60,000 या 50,000 है तो उस बंदे को आप अब कहें कि नहीं जी आप 1.5 लाख की चीज ले, वो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। अच्छा, वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट ये आपने सोच समझ के एक चीज की थी, जनरली इज समथिंग दैट यू गाइस डू, कि आप जब ब्राइडल्स भी तैयार करते हो तो आप उसको लेयर्स में तैयार करते हो ताकि आप उसको फिर 3-4 डिफरेंट आउटफिट्स के तौर पे पहन सको। जी बिल्कुल, जिस तरह अगर लहंगा चोली है तो बाद में आप शादी के बाद जिस तरह लड़कियों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये तो जाया हो जाएगा जोड़ा, तो नहीं पहना जाता, नहीं पहना जाता, बट आप उस चोली के साथ जो है वो प्लेन लहंगा यूज कर सकते हो, फिर उस लहंगे के साथ एक प्लेन चोली बना के उसको यूज कर सकते हो, देन जो आपको हैवी दुपट्टा होता है उसके साथ आप एक प्लेन जोड़ा जो है वो बनाकर उसको एज अ फॉर्मल यूज कर सकते हो, तो वो 2-3 तरह से फिर आपका यूज हो जाता है। बिल्कुल सही, एंड द पॉइंट इज द फेमस क्लच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, आई वांट टू स्टैंड अप एंड शो दिस एंड आई वांट यू टू डिस्क्राइब माय आउटफिट एज वेल, बिकॉज़ ये आपकी कलेक्शन का है ना। बिल्कुल, देखा अरे मैंने तुम्हारी कलेक्शन का भी नहीं पहना, याद रखना आप पहन चुकी है शो, बट आई एम टू स्टैंड हियर एंड पोज विद माय बैग, आई लव माय बैग। अच्छा, इस क्लच के बारे में मुझे, ये क्लचेस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये देखें, आपने किसी इवनिंग और शादी वेयर में जब आप उसके साथ शॉपिंग करते हैं तो आपको क्लच ही लेना होता है, उसके साथ आप बैग नहीं लेकर जा सकते। एंड वेरी नहीं, मैं देख रही थी, इट्स वेरी वेल मेड, लाइक उसमें प्रॉपर पोर्शन है, प्रॉपर्ली फिनिश्ड, चाबी प्रॉपर्ली फिनिश्ड, एंड बैग भी देखें, एंड वी हैव यूज्ड मुकेश आल्सो, एंड यू नो इट इज मेड विद दिस, बट अगर आपने प्लेन, मैं कोई कैटवॉक नहीं करने लगी जो आप लोग म्यूजिक चला रहे हैं, एक्सक्यूज मी, उम्र के हिसाब से बंदे को हरकतें करनी चाहिए, थैंक यू, शो स्टॉपर बनाना तो बना दो, अदरवाइज जैसे कि आपको ये बात कही गई थी। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट दिस आउटफिट जो मैंने भी पहना हुआ। अच्छा, ये अगेन इट्स अ शिफॉन पैनल्ड फ्रॉक, और इसमें वी हैव यूज्ड मल्टीपल कलर्स टू कॉम्प्लीमेंट द रॉयल ब्लू कलर, तो इसके ऊपर भी बहुत लाइट सा तिल्ले का और डिफरेंट थ्रेड वर्क है कलर्स के मल्टी, और उसमें फिर दबका भी है एज यू कैन सी, और क्रश्ड शिफॉन का दुपट्टा है गोल्ड प्रिंटिंग के साथ। यू सी, नाउ
दिस इज समथिंग यू कैन पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन. या एंड इसके साथ अब यू हैव एन ऑप्शन कि आप किसी भी, जिस तरह इसके साथ गोल्ड की पैच थी बट मुझे क्योंकि आपकी ऑरेंज वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने इसके साथ ऑरेंज लगा ली. ये मैंने अपनी मर्जी से किया, जबकि ब्राइट टू स्टे टू गिव अ ब्राइटर लुक फॉर टेलीविजन, बट इफ आई वाज टू वेयर इट नॉर्मली आई वुड वेयर द गोल्ड. और यू नो यही तो बात है व्यूअर्स, फॉर्मल वे में भी आपको सेपरेट्स नहीं मिलते, जो एक बहुत बड़ा अजाब होता है आपके जोड़े का. फॉर एग्जांपल एक पीस, जैसे कि आपको जोड़े का दुपट्टा खराब हो गया, अब अगर वो दुपट्टा खराब हो गया तो आपका पूरा जोड़ा खराब हो जाता है. और बंदा जब जाता भी है उसी डिजाइनर के पास लेके कि जी ये मेरा जोड़ा है ये खराब, इसका दुपट्टा खराब हो गया, तो वो आपको उतना ही चार्ज कर देते जितना पूरा जोड़ा का करते हैं. तो कोई ऐसी जगह तो होना जहाँ से बंदा फॉर्मल सेपरेट्स भी खरीद सके. बिल्कुल. अच्छा, कुछ शॉलों के बारे में बताएंगे? जी, शॉलों का इस तरह से कि वो भी हमने डिफरेंट फैब्रिक्स यूज़ किए हैं उसमें, जैसे वेलवेट्स हैं हमारी, हर साल वेलवेट की कलेक्शन जो उनके रीरन्स बनते हैं. और दूसरा ये कि उस पर, ये कि उस पर हम हैंड क्राफ्टेड काम का, उसमें दबका है, तिल्ला है, सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं. तो एक आपने कॉम्प्लीमेंट करना है वेलवेट को भी, और इसने जिसने बंदी ने कैरी करना है तो उसको एक लाइट वेट एट द सेम टाइम शी शुड बी लुकिंग कंफर्टेबल और एट द सेम टाइम प्यारी भी लगे. प्यारी भी. हाँ जी. और उसके साथ क्लचेस वगैरह भी कॉम्प्लीमेंट्री हमने दिए हुए साथ. एक बात पता है, इतने फर्क फर्क जहनों के लोगों को आप संभालते कैसे? देखें, जो करने लगते डैड आपने इन सबको सामने, मैं भी एकदम से ख्याल है कि उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस, उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है. देन यू गॉट, आई मीन कैजुअल वेयर जो डिजाइन करते हैं उसके हमारे साथ नहीं है, बट यू नो लाइक सब लोगों की अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस, उनके नीचे टीम में इन सबको सामने कैसे आप? मैं तो अभी यही सोच रही थी, अभी तक बाल नहीं गिरे आप. ब्रांड का एथोस है, बाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरे, अल्लाह का शुक्र है. ब्रांड का एक एथोस है, एंड यू नो एज यू नो हमारे जो फाउंडर्स में मैडम सीमा अजीज हैं, उनका विजन इज वेरी स्ट्रांग. उनसे बड़ी हमें गाइडेंस और लाइट मिलती है, और फिर हम चीज़ों को बड़ा सेपरेट लेके चलते हैं. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मूड बोर्ड टू इट, दे वर्किंग सेपरेटली, दे वर्किंग ऑन देर ओन स्ट्रैटेजीज, दे वर्किंग ऑन देर ओन डेवलपमेंट. सो उनसे हमें इंस्पिरेशन जो मिलती है, मैडम जो देती हैं, उसको फिर आगे ड्वेल डाउन करके टीम्स को लेकर सेपरेटली चलाते हैं. सो कैजुअल हैज़ नथिंग टू डू विद फॉर्मल्स, ब्राइडल्स हैज़ नथिंग टू डू विद कैजुअल्स और फॉर्मल्स. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चेस लेके आते हैं. सो उससे फिर हम लाइन्स को ड्वेल करके आगे लेके जाते हैं. बट ऑल इज बेस्ड कीपिंग इन माइंड द कस्टमर एंड द कंज्यूमर. वी डोंट नेवर फॉरगेट दैट कि जी उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको क्या सूट करेगा, उनको ट्रेंड्स के अंदर रह के कैसे एक हेरिटेज को फ्यूचर में लेके आना. अच्छा, अब यहाँ पे ब्राइडल वेयर में बड़ा स्यापा आ जाता है, क्योंकि ब्राइडल वेयर में तो आपको पता है एवरीबडी वांट्स उस वक्त जो ट्रेंडिंग चीज है. याद है वो एक मछली वाली शेप के जो इंक्लूड, फिर एक जमाने में जस्ट वो वेरी पूफी, अब आजकल बहुत ज्यादा इन है कि कैन कैन वाले आपने गरारे और लहंगे दोनों निकले. सो व्हाट डू यू डू, लाइक हाउ डू यू डिफाइन के मतलब हर बंदे के लिए इंडिविजुअल डिजाइन करते हो, क्या करते हो? मेरा मानना ये है कि ब्राइडल जो है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कट्स में, क्योंकि ब्राइडल बेसिकली द सेलिब्रिटी ऑफ दैट नाइट. तो उसको ऐसा होना चाहिए मॉडर्न के साथ साथ, उसको शीक लगना चाहिए पहली बात, और फिर वही आप वाली बात कि उसको अपनी बॉडी कट के अकॉर्डिंग चीज़ें पहननी चाहिए. अगर कोई ऐसी ब्राइड आ जाती है जो मोटी है और वो कह रही है कि मुझे चोली ही पहननी है, तो हम उसे गाइड कर देते हैं कि चोली आपको सूट नहीं करेगी, यू कैन वेयर अ लॉन्ग शर्ट. पहननी है तो फिर आप लंबी चोली, थोड़ी कवर्ड चोली पहन लो. बिकॉज होता ये है कि उस वक्त फिर क्योंकि आप उस वक्त यू आर द स्टार ऑफ द ऑफ द दैट इवेंट, तो ये ना हो कि आप किसी तरीके से लोगों, यू नो लोगों, लोग आपके बारे में कॉमेंट्स पास करें, नेगेटिव बातें करें, इट इज वेरी अपसेटिंग. ठीक है, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनली आपकी बारी आ ही गई. आ रही, मैंने कहा चलो, मैंने वैसे आपसे बात नहीं करनी थी सेगमेंट में, लेकिन मैंने की, याद रखना ये बात, ये मेरी कमेटी में डाल देना बात. हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली जो हमारे पास तीनों डिजाइनर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव भी लेंगे, जब हम एक बार ब्राइडल वेयर देख लेंगे कि इनका व्हाट इज देयर ओपिनियन, औरत जब अपने आप को ड्रेस करे तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स. तीनों का ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, वो भी लेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. शेफ आयशा ने एक पार्टी सी नाम ना ले आयशा, दिल ही दिल में तुम्हारा नाम बदल दिया. मेरे लिए नाम नहीं बदल सकती आमना, मेरे लिए नाम भी नहीं बदल सकती. बदल लो यार. ठीक है, अच्छा चलो फिर क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? जो आप प्यार से बुलाएंगे. जानू, खाना तैयार है? ये सबसे अच्छा, बिल्कुल तैयार है. अच्छा, सो डिस्क्राइब, एक तो आपने इंडिविजुअल प्लेटिंग भी करके दिखाई है जिस तरह रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग घर पे तरद्दुद कर ले और
घर वालों को ऐसे खाना सर्व कर दें तो शायद मोहब्बतें ज्यादा बढ़ जाएं। Exactly. तो अक्सर ऐसा होता है ना रेस्टोरेंट में जाके फुल लाठीडा छुरी कांटा और घर में जब खाना देना तो भांडे बर्तन सामने रखे ऐ ले खा ले। अच्छा एक तो ये हो गया देन ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सर्व इट इन लार्जर पोर्शंस डाइनिंग टेबल के ऊपर जैसे लेना है। अच्छा इसके ऊपर चॉकलेट भी आपने डाला है मुझे बताओ इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर हमने बनानास को मैश करके उसके अंदर हमने शुगर मिक्स कर दी उसके बाद फिर हमने इसमें ऑयल डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल ऑफ कोर्स और फिर हमने इसके अंदर जो है अपना प्लेन फ्लावर और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये और साथ सिनेमन पाउडर वेरी नाइस और इसमें ब्लैक करंट्स हैं चॉकलेट चिप्स हैं एंड वॉलनट्स बनाना चॉकलेट चिप वॉलनट सिनेमन एवरीथिंग इज इन देयर जो मिला इसने खाने में डाल दिया। जी 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 वेल डन यार looks Thank awesome so and much. what I love Thank the most you. is the presentation of it. Thank normally you. इसी तरह bread रखते थे अब इस तरह से अगर आप अपने guests को भी serve करें I mean I really really this is something I want you guys to see इस तरह से आप अपने अगर guests को serve करें तो appetizing भी ज़्यादा लगता है क्योंकि breads की सिर्फ ये problem होती है कि वो दिखने में थोड़ी boring लगती हैं so if you make it look nice it works yes of course थैंक यू जी थैंक यू सो मच कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं बहुत से मसरूफ लोग अपने फोनों पे इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने फौरन चीजें अपलोड की हैं इन सबके सोशल मीडिया को जाके चेक करें यकीनन कोई ना कोई सेल्फी अपलोड की होगी राइट के रॉन्ग नॉट आई विल चेक योर फोन राइट नाउ। अच्छा आरिफ टेल मी अबाउट योर कलेक्शन नाउ वी आर गोना सी योर आउटफिट्स। अच्छा ब्राइडल्स में मेरा हमेशा से यही होता है कि श्नेयर जो है वो तीनों दिन की ब्राइड्स को जो है वो कैटर कर सके मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम तीनों दिन जो है वो डिफरेंट लगना चाहते हैं तो अभी आप मॉडल्स बुलाओगे तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह से मेहंदी में हम लोगों ने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं देन बारात में हम रेड मरूनस और वाइन्स की फैमिली में गए हैं क्योंकि कुछ ब्राइड्स होती हैं वो कहती हैं हमने टिपिकल रेड कलर नहीं पहनना तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप रेड पहनो यू कैन गो विद मरून यू कैन गो विद वाइन और उसकी फैमिली में जा सकते हो देन वलीमा जो है वो बिल्कुल ही फिर सटल होना चाहिए कि कोई एक कलर और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट उसके अंदर जो है वो आ जाए। बट एक्चुअली आई एम ग्लैड दैट यू डिस्क्राइब दैट क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं शादी के तीनों दिन मेहंदी पे भी इतना ज्यादा तैयार हो जाते हैं ओवर तैयार हो जाते हैं कि फिर शादी और मेहंदी वाले कोई फर्क नहीं लगता है दोनों ब्राइड वाले दिन में का इंपैक्ट बहुत कम बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक चीज लोग कहते हैं कि ब्राइडल्स जो हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाते हैं जब एक रेडी टू वेयर ब्रांड लेके आता है इस तरह की बाय अपॉइंटमेंट ओनली तो कितना आप लोग मार्जिन देते हैं लोगों को अपने बजट्स को। अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूं श्नेयर की तो डिजाइनर अपना बजट क्योंकि डिजाइनर हमेशा अपना कहता है कि जी 8 लाख का हम बना सकते हैं यार 8 लाख रुपए में बंदा अपनी से कम में अपनी पूरी शादी करा लेता है। एग्जैक्टली अब उस बंदे को आप कह रहे हैं कि जी आप 8 लाख रुपए का जोड़ा तो बंदा उस वही मुंह लेके वापस निकल जाए और मुझे लगता है कि वो डिजाइनर ही क्या जो अपने क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग उस जोड़े को सेट ना कर सके। मेरे पास अगर कम बजट में भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ बनाकर देते हैं ऐसा नहीं होता कि हम कहें नहीं जी हम बना ही नहीं सकते ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको सेट करना होता है उसी डिजाइन को कि वो खराब भी ना हो और वो अच्छा भी लगे। आप बैक लाइट कर सकते हो आप दुपट्टा थोड़ा लाइट कर सकते हो लेकिन फ्रंट हमारी कोशिश होती है कि हम एज इट इज दें। बिल्कुल सही सो वी आर गोना गो टू अ शॉर्ट ब्रेक ब्रेक के बाद फौरन जब वापस आएंगे तो हम आपको वार्डरोब भी दिखाएंगे एंड ऑफ कोर्स ये भी जानेंगे कि खवातीन जो हैं वो जब अपने कपड़ों को प्लान आउट करती हैं तो किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए आफ्टर अ ब्रेक। Welcome back from the break, viewers. Let's go ahead and look at our two gorgeous bridal outfits.
हाउ गॉर्जियस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो लड़कियां भी प्यारी हैं तो थोड़ा फायदा हो जाता है, और उसके अलावा द आउटफिट्स आर गॉर्जियस। आरिफ विल हैव टू कम ओवर हियर बिकॉज़ मतलब ये तो साथ खड़े होके देखने वाला। सो दिस इज द बारात का जो अच्छा, व्हाट आई लव व्हाट यू डिड इन योर कलेक्शन आल्सो एट फैशन वीक वाज कि यू मेड स्पेशली ज्वेलरी टू वेयर, आपने खुद ही बनवाई, फुड डिजाइन किया, खुद ही बनाई है उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम ज्वेलरी क्या करें। सो दिस वाज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि आप अगर चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ही पहनो या हीरे जवाहरात ही पहनो। और देखो बहुत से लोग तो फेक ज्वेलरी बना रहे होते हैं, उससे तो फिर भी उससे तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, और एक इंटरेस्टिंग बहुत ही प्यारी सी लुक भी आ जाती है। अच्छा, सो डिस्क्राइब दिस आउटफिट टू मी प्लीज, दिस इज योर बारात, वेरी क्लासिक एक्चुअली। या मतलब अगर आप गौर करो तो इसमें डबल टोन है, जनरेशन ये पहन सकता है। एग्जैक्टली, आप इसको रखो 10 साल बाद भी निकालो भी ऐसा ही रहेगा। And what I love is जिस तरह भी ये चोली है इसके साथ अगर आप एक सिंपल बिल्कुल प्लेन सा नीचे से इसी बिल्कुल का बाद में आप प्लेन एक गरारा पहन सकते हैं, ये दुपट्टा दुपट्टे के साथ आप एक प्लेन जोड़ा बाद में बना लो तो मतलब आपके बरी के तीन जोड़े बन जाते हैं फॉर्मल। High five, well done. अच्छा, okay, awesome. But you, this is not the typical red. This is a pinky red. It's like wine and maroon ka combination. इसमें double tone आ रहा है. नीचे से darker है, ऊपर जाके थोड़ा सा light हो रहा है. Ah, that's why it's giving that gorgeous kind of elegant look and it's very very royal look. MashaAllah. What about this joda? I'm loving the colors. दिस इज फॉर वलीमा, इसमें आप देखोगे कि एक ही कलर है और सिर्फ एक्सेंट में हम लोगों ने जो है पिंक यूज़ किया है और कॉन्ट्रास्ट में उसका दुपट्टा जो है वो पिंक्स में किया है, क्योंकि काफ़ी जो ब्राइड्स हैं वो वलीमे पे पिंक पहनना चाहती हैं तो उस तरह से इसको डिजाइन किया। No, but I love the grey icy blue look. हमारी उतना है भी प्यारी तो it works out well. But the fact is अब इस किस्म के जोड़े के साथ तो आपके बकायदा दो तीन outfits निकल सकते हैं, right? Because this dupatta is in pink. So अगर आप एक pink plain outfit इसके साथ बना लेते हैं, you're sorted. And then you can go into blues with that. बिल्कुल ऐसे ही। बाद में you can make it one piece dress after your शादी अगर आप चाहो तो, नीचे चूड़ीदार पजामा बना लो। काफी चीजें होती हैं जो बन जाती हैं। और आप लोग इस चीज में भी help out करते हैं। क्लाइंट्स को पहले ही बता देते हैं कि जो लोग परेशान हो रहे होते हैं इतना पैसा स्पेंड करने के लिए कि बाद में क्या करेंगे, तो उनके लिए ये बेहतर होता है। एक्चुअली आई थिंक पासिंग क्लोथ डाउन जनरेशन टू जनरेशन तो एक अच्छी बात है, लेकिन तब भी एक ही दफा फिर पहना जाता है ना, लेकिन अगर आप उसी को रिवैम्प करके यूटिलाइज करें तो यू कैन वेयर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बहुत ही खूबसूरत, और ये तो बहुत भरा हुआ है काम से। इस पे कौन कौन सी एम्बेलिशमेंट यूज की आपने, गोटा भी है? अगर आप देखो तो इसमें लेजर कट गोटा लगा हुआ है और इसमें ओरिजिनल जो सिरोस्की होती है वो लगी हुई है और लेमिनेटेड नक्शी दबका मुकेश, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लवली, एंड ऑफ कोर्स द गर्ल्स लुक लवली एज़ वेल, एंड आप भी कुछ लवली बीच में हुए हैं तो सारा कुछ ही वर्कआउट कर गया ना। वेल, अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज व्हेन अ वुमन इज ड्रेसिंग हरसेल्फ, जब कोई भी औरत अपने आप को तैयार करती है, तो आप तीनों का पर्सपेक्टिव मैं लेना चाहूंगी, किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ कैजुअल पर्सपेक्टिव एंड देन वी विल गो इनटू फॉर्मल। नहीं, कैजुअल में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी व्हाट इज दैट यू फील कंफर्टेबल इन वेयरिंग। डे टू डे आपने पहनी है एक चीज सुबह से लेकर रात तक, बड़ी दफा ऐसा होता है आप सुबह निकलते हो और आप शाम को घर पहुंचते हो, या घर में आपने सफाई करनी है, अपने बच्चों को हैंडल करना है, पढ़ाना है, यू कंफर्ट लेवल इज द फर्स्ट एसेंस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हेन यू नो, जब कैजुअल जोड़ा पहनना, आपने कंफर्ट लेवल क्या है उसमें, और फिर कलर स्टोरी कौन सी जो आपके कम्प्लेक्शन के साथ और आपके वेदर के साथ जेल इन करती है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को यू नो दे लव ब्लैक और वो गर्मी में भी ब्लैक पे ही चले जाते हैं और पहनते ही सिर्फ ब्लैक हैं जी, और पहनते ही सिर्फ ब्लैक है, मतलब काला पहन लिया, ग्रे पहन लिया, डार्क ब्लू पहन लिया, एंड यू लाइक यार कोई तो रंग अपनी वार्डरोब में ले आओ। तो सीजन के रंगों के साथ खेलना, सीजन के रंग पहनना एंड अपने जोड़े को कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कैरी फॉर्मल करते हो, कैजुअल करते हो, ब्राइडल करते हो, फिर कैरिंग इट राइट, सो देन दिस इट्स अ बिग यू नो, यस यस आई एग्री टू कि आपने कैरी जिस तरह से किया होता है जोड़ा, नो डाउट हैज टू बी इफेक्टिव और आपको प्यारा लगना चाहिए, एंड आई बिलीव दैट अ वुमन शुड स्टील द शो राइट अवे, तो इस तरह से तैयार होना चाहिए और इसी तरह से कपड़े भी पहनने चाहिए जो आपको सूट करे, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से, यू शुड सेलेक्ट दोज कलर्स। सो वी शिनेयर प्रोवाइड्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स ताकि लोगों को सिलेक्शन करने में आसानी हो। बिल्कुल, एंड लाइक आई सेड सेपरेट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पहुंचे जो बेसिक्स हर औरत की अलमारी में होनी चाहिए, थोड़ा सा ये तो गाइड कर दो। जब कोई औरत शॉपिंग करने के लिए जाती है वो क्या चीज़ें हैं जो बेसिक्स आपके पास होनी चाहिए जो ओवर द ईयर्स यूटिलाइज होती रहती हैं बार बार?
जैसे कि मैंने कहा ना गोल्ड शलवार एंड एक सिल्वर गोल्ड पैंट एंड सिल्वर पैंट होनी चाहिए। गोल्ड पैंट्स, ब्लैक पैंट्स, आपकी बेज पैंट्स, ये तो लाइफ टाइम के लिए ना, आपकी ये कभी भी फेड अवे नहीं होगी। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि क्रश्ड टिश्यू का दुपट्टा, वो भी बहुत आपका चलता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती आपने कैसा दुपट्टा लेके जाना है, तो गोल्ड एक्चुअली वर्क्स विद द फॉर्मल लाइन। ठीक, हाँ जी, ओके। सो दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स यू शुड हैव फॉर श्योर। नाउ कमिंग इनटू द कुट्योर लाइन, ब्राइडल कोई लड़की बनाने के लिए आती है, हमने थोड़ा सा तो उसको टच अपॉन किया था, बट बिकॉज इट इज़ ब्राइडल सीजन, ये बताइए कि कौन सी चार पांच टिप्स हैं जो आप देंगे कि ये चीज़ें 100% आपको करनी चाहिए जब आप ऑर्डर करें, शिनेर से करें, किसी से भी करें, बट एज अ डिज़ाइनर व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे लगता है कि क्लाइंट्स को सबसे पहले तो ये कि डिज़ाइनर की बात माननी चाहिए कि अगर वो आपको कोई रिकमेंड कर रहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही कह रहा है। यहाँ पर दो टाइप्स हैं हमारे पास जो क्लाइंट्स की हैं। कुछ क्लाइंट्स वो होते हैं कि वो आपकी मान लेते हैं, और कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं हम भी ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इफ़ यू गो टू द डॉक्टर तो ऑब्वियसली आप उसकी रिकमेंडेशन पे अमल करते हो ना। इसी तरह ही एक डिजाइनर भी अगर आपको कुछ बता रहा है तो आपको मान लेना। गूगल डॉक्टर्स का नहीं आपको पता, वो पहले गूगल पे करते हैं और खुद ही डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि जी आप मुझे इस चीज की दवाई दे दें, तो डॉक्टर शक्ल देख रहा होता है कि मैं चेक कर लें या तुम खुद ही गूगल करके देख लें कि बाकी दवाई भी की लेनी है। तो वही वाली बात है ना, जिसका जो काम है प्लीज व्यूअर्स उसे करने दें। अगर डिजाइनर कह रहे हैं ये कट आपकी बॉडी को नहीं सूट करेगा तो जबरदस्ती ना बनवाएं, क्योंकि बनाने के बाद जब आप जोड़ा कहते हैं कि उसको फिक्स करें फिर से, हाँ। वो ज्यादती हो, मतलब हम वो क्लाइंट्स को होता है कि हम मोटी ना लगें। भाई अगर आप मोटे हो तो आप मोटे लगोगे, आप ये कहो हम मोटे में प्यारे लगे वो बना दें हमें, लेकिन हम मोटे ना लगें तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम मोटे ना लगें। हम मोटे हैं, मोटे ना लगें, भाई जादू तो नहीं है मेरे पास या किसी के पास भी, बिल्कुल ये गलत चीज है। बट आवर पॉइंट इज कि देखिए आपकी जो भी बॉडी टाइप है, व्हाट आई गेस आरिफ इज सेइंग, जिस तरह मुझे भी आरिफ को मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारी मैं वॉक के लिए ना वजन कम कर लूंगी, उसने कहा देखें आपकी जो बॉडी टाइप है आप उसको ओन करें। What he means is from a female empowerment point of view, not कि मोटे हो तो मोटे, not in a bad way, just to clarify, in a positive way, कि जी आपकी जो body type है आप उसको own करें। हम ये बहुत ज्यादा करते हैं कि शादी से बिल्कुल पहले हमने अपना 40 पाउंड वजन कम करना है, और शादी के बाद फिर वापस अगर आपने उसको गेन करना है या नहीं आपने मेंटेन करना, तो जिस बॉडी टाइप में आप कंफर्टेबल हैं, शिनेर इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स दैट इज प्रो वट एवर बॉडी टाइप यू आर, राइट? तो मेरी आपसे यही बात हो रही है, किसी के लिए कपड़े बनाते हैं सिर्फ एक सर्टन बॉडी टाइप के लिए तो नहीं। सो अगर आप जरा हेल्दी साइड पे हैं तो देन उस किस्म का अपने आपको आउटफिट बनाए कि आप उसमें प्यारे लगे। बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्यादा टाइट कर दे, वो ज्यादा टाइट करने से रोल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो फाइनली एनी क्लोजिंग वर्ड्स दैट यू'ड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स? आई वुड से कि जी अभी जाके देखें जी, हमारा फॉल विंटर में वी हैव गॉट अमेजिंग शॉल्स, amazing collection when it comes to formals or casuals, और बड़ी affordable prices पे ऐसे designs हैं जो कि generations के लिए हैं। Have a look at them, you would love them, and shadi season is on full swing, so enjoy your weddings, eat healthy, wear good, enjoy life. इन्जॉय लाइफ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। तैयार होना एक अजाब नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह जाना या मतलब अक्सर लोग जगहों पे जाने को इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज वो कहते हैं अगर हमने बहुत महंगे कपड़े ना लिए तो लोग क्या कहेंगे। आपने अपने आप को कंफर्टेबल करना है और आपने अपनी ज़ात को खुश करना है, एंड मोर देन दैट आप वो पहने जो आपको सूट करता है। आप एक ही आउटफिट को दो तीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ओवर द वेडिंग सीजन, एंड आउटफिट रिपीट करने में कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कॉम्प्लेक्सेस से हमें निकलना पड़ेगा। हर किसी को पता है कि एक जो फॉर्मल जोड़ा होता है वो कितना महंगा होता है, तो अगर वो आप दो तीन चार दफ़ा पहन भी लेते हैं एक सीज़न में, व्हाट्स द बिग डील? वेरिएशंस हमने आपको ऑन एयर आज दिखाई हैं शिनेर के थ्रू, या आपने ट्राउजर चेंज कर ली, आपने ट्राउजर दुपट्टा एक ही यूटिलाइज कर लिया, उसके साथ शर्ट डिफरेंट पहन ली, आप दो तीन आउटफिट्स को 6-8 आउटफिट्स बड़े आराम से पहन के यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा तरीका भी आना चाहिए। अब बहुत दफ़ा जिस तरह के ये बड़ी खूबसूरत चोलियाँ हैं, अगर इन्हीं इसी चोली को आप ब्लाउज के तौर पे पहन के इसके साथ साड़ी प्लेन पहन लें तो आपका बकायदा एक कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट बन जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे पिंक दुपट्टे अगर इसी स्टीली ब्लू ग्रे कलर के अंदर आप अपना वो बना लें, इसके साथ साड़ी पहन लें, तो एक ही आउटफिट के आपके बहुत से आउटफिट्स निकल सकते हैं। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट क्लोथ्स, enjoy your clothes, and more than clothes, remember कि आपने अपनी जिंदगी को enjoy करना है, तो enjoy करें। और काश हम सारे इन प्यारी प्यारी गर्ल्स की तरह प्यारे होते, लेकिन चले जो नहीं भी हैं वो प्यारे लग जरूर सकते हैं अच्छे कपड़े पहन के। खुदा हाफिज़।